कौन सी फीमेल ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा सकती है, ब्रेस्ट इम्प्लांट का आइडियल कैंडिडेट कैसे चुने, दोस्तों आज मैं ये वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर अर्चा, मैं एमसीएच प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूं, डायरेक्टर ऑफ रिजुवा एस्थेटिका कॉस्मेटिक क्लिनिक इन अहमदाबाद। पहले तो 20 से 30 साल की एज की फीमेल जो प्री प्रेग्नेंट फेज की है उसकी बात करें तो आजकल कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ चुका है, तो फीमेल्स जब ऑफिसेज में जाती है, वर्क स्पेसेस में जाती है, तो उनको कॉन्फिडेंस अच्छा फील नहीं आता कई बार स्मॉल ब्रेस्ट के कारण। तो मोस्ट ऑफ द जो फीमेल्स आती है हमारे पास कई बार ये एज की आती है कि भाई हमको सर अच्छा नहीं लगता है, हमारा मैरिज बाकी है और हमको डर लगता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो वो फीमेल्स एक आती है जो ब्रेस्ट इम्प्लांट हमारे पास कराती है, एक फीमेल आती है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान कराती है, मतलब हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मत कराओ क्योंकि प्रेगनेंसी आइडियल वो होना चाहिए कि वो मत करो क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी हॉर्मोनल थोड़े चेंजेस आते हैं तो ब्रेस्ट सेकिंग और वो सब होता है। तो एक दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं क्लास ऑफ पेशेंट उनको बोलते हैं कि भाई फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में मत करो, सेकंड प्रेगनेंसी ओवर हो गया उसके बाद करो जिससे आपको अच्छा रहेगा। हालांकि कोई ब्रेस्ट इम्प्लांट और प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि प्रेग्नेंट जो हम लोग जो इम्प्लांट डालते हैं वो मसल और फैट के बीच में डालते हैं तो ब्रेस्ट ग्लैंड जो होती है वो ऊपर होती है, तो फीडिंग में या प्रेगनेंसी में इम्प्लांट को कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद फीमेल्स आती है क्योंकि उनके ब्रेस्ट में चेंज आ जाता है और उसके बाद फीमेल्स बोलती है कि हमको अच्छा नहीं लगता है, रिलेशनशिप में हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं लगता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक क्लास ऑफ फीमेल आती है। थर्ड जो होता है वो पेशेंट आते हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, सेकेंड मैरिज प्लान है या लेट प्रेगनेंसी प्लान है, तो वो पेशेंट्स आती है कि बोलते हैं कि हमको इनसिक्योरिटी होती है सेकेंड मैरिज के लिए, तो हम वो हस्बैंड क्या सोचेंगे कैसे होगा, हमारा फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये हार्मोनल चेंजेस के कारण ये ब्रेस्ट हो चुका है। तो वो कुदरती चीज है, ब्रेस्ट का सेकिंग होना या ब्रेस्ट ब्रूस होना या ब्रेस्ट छोटा होना या ब्रेस्ट में चेंज होना प्रेगनेंसी के बाद वो बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो कभी भी डरिए नहीं, घबराइए नहीं, एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको हम सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट बोलते हैं, एक घंटे का प्रोसीजर है। आप देख सकते हो कि इस टाइप के इम्प्लांट आते हैं जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट क्वालिटी के इम्प्लांट होते हैं, वो इम्प्लांट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और USFDA अप्रूव्ड और यूरोपियन स्टैंडर्ड के ये इम्प्लांट्स आते हैं। तो कोई चिंता मत कीजिए, छोटा सा प्रोसीजर है, अगर आपको बॉदरिंग है तो डेफिनेटली आप ये प्रोसीजर करा सकते हो। और ये सिंपल सा प्रोसीजर के लिए आपको कभी भी कोई डर है कंफ्यूजन है तो हमारे फीमेल कोऑर्डिनेटर है, वो आपको समझाएंगे कि आपको कौन से इम्प्लांट करवाने चाहिए, पहले तो करवाने चाहिए नहीं करवाने चाहिए, आइडियल एज क्या है, और आपको कोई भी तकलीफ है तो उनमें आपको असिस्ट करेंगे। और ये जो भी फीमेल को ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे ये उन लोग को ये साइकोलॉजिकल तकलीफ में से बाहर निकल पाए, और छोटी सी प्रोसीजर है तो क्यों नहीं करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।